राजस्थान के जोधपुर में कल यानी कि सोमवार की शाम से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जोधपुर के जालौरी गेट सर्कल पर परशुराम जयंती को देखते हुए कुछ लोगों ने भगवा झंडे लगाए थे। दूसरे पक्ष ने वो झंडे हटाकर वहां पर इस्लामी प्रतीक वाले झंडे लगा दिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनातनी इतनी बड़ी कि आधी रात को भीषण पथराव हो गया। ये बवाल इतना बढ़ गया था कि इस पर काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू की, लेकिन दोनों तरफ से भीषण पथराव हो रहा था। पुलिस बड़ी मुश्किल से उपद्रवियों को तितर बितर कर पाई। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल जो हिंसा हुई है उसको लेकर माहौल बेहद ही तनावपूर्ण है। यही वजह है कि राजस्थान पुलिस के लिए एक चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि ईद भी है और नमाज भी पढ़ी जानी है। दरअसल नमाज वहीं पढ़ी जानी है जहां पर ये हिंसा हुई है। इस घटना पर चिंता जताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। अशोक गहलोत ने पूरी घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि जालौरी गेट जोधपुर पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि जालौरी गेट जोधपुर पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।